हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आपका ही एक क्वेरी लेके आए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपनी क्वेरीज को प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हम उसको सॉल्व कर पाए। तो काफी लोगों ने मुझे एक क्वेरी, सेम क्वेरी आ रही थी। क्वेरी ये थी कि सर, अगर हम स्टेट प्रो और ईटेम में चूज करते हैं ईटेम्स को, नो डाउट वो सही है, अगर हम ईटेम्स को चूज करते हैं तो हम फाउंडेशन डिजाइन कैसे सीखेंगे, क्वेश्चन है। और सच बात यही है कि अगर ईटेम्स को सीखते हैं तो हमको फाउंडेशन डिजाइन सीखने में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि वो उसमें नहीं होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी, अब हम फाउंडेशन कैसे करें, क्योंकि सीएसआई जो कंपनी ईटेम्स का है, उसका एक रूल है, वो हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाता है। उसका डिटेलर का अलग सॉफ्टवेयर है, कैट का अलग सॉफ्टवेयर है, उसका ब्रिज का अलग सॉफ्टवेयर है, तो वो अलग अलग काम करता है। तो हाँ, अगर आप ईटेम्स सीख रहे हैं तो आप उसके साथ सेफ, यानी SAFE, सेफ सॉफ्टवेयर जरूर सीखिए। क्यों? क्योंकि बिना सेफ सॉफ्टवेयर सीखे आप फाउंडेशन डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो आप सेफ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपने ईटेम्स सीखा है तो बहुत इजीली सीख सकते हो, क्योंकि सीएसआई का एक रूल है कि हर एक सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट, चलाने का जो फॉर्मेट होता है, बहुत ही सेम रखता है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि सर, इस पर कुछ वीडियोस तैयार करिए, हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उसमें तो हम उसको करते हैं, बट अभी हमने वीडियोस नहीं तैयार कर पाए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय का भी रहता है, और इतने ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिखे सेफ सॉफ्टवेयर सीखने वाले। तो जब इतने ज़्यादा लोग नहीं दिखे तो फिर हमने उस पर ज़्यादा कोशिश नहीं किया। दूसरी क्वेरीज थी मैनुअल डिज़ाइन की। दोस्तों मैनुअल डिज़ाइन सीखना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैनुअल डिज़ाइन नहीं आता आपको तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकते हो। कई ढेर सारी खुरमी की बुक है और भी ढेर सारे अलग अलग राइटर्स की बुक है जिसमें मैनुअल डिज़ाइन दिया हुआ है, पर वो समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि यार कैसे करो इसको, क्योंकि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लोग छोड़ देते हैं और फिर इंटरव्यू जाते हैं और मैनुअल डिज़ाइन वो पूछ लेते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैनुअल डिज़ाइन वैसे तो काफ़ी लोगों ने सिखाया भी है ऑलरेडी, यूडेमी पे ऑलरेडी, अनअकैडमी पे भी सिखाया हुआ है और यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने सिखाया हुआ है, पर अगर आपको प्रॉपर इंडस्ट्री बेस्ड मैनुअल डिज़ाइन सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपना प्लेस बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं कि हम आपको मैनुअल डिज़ाइन किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। हो सकता है वो हम आपके पास आके कर सकते हैं या हो सकता है किसी माध्यम के थ्रू कर दें, क्योंकि मैनुअल डिज़ाइन सीखना मतलब आप अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाना होता है। मैनुअल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आता है, अगर किसी को मैनुअल डिज़ाइन आता है तो आप एक दूसरे को शेयर भी करो, और ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि हमारा भी एक ग्रुप है जिसमें हम एक दूसरे को कंटेंट शेयर कर सकते हैं। अगर आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी आप नीचे कमेंट करिए, और आता है तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, एक मैनुअल डिज़ाइन की एक अलग क्लास होनी चाहिए। और अगर आप सबका समर्थन ज़्यादा दिखा तो डेफिनेटली हो सकता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है, बट ज़्यादा समर्थन नहीं, अगर कुछ लोगों को सेपरेट सीखना है तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और याद रखिए, आपको सेफ और मैनुअल डिज़ाइन ये दोनों सीखना पड़ेगा अगर आप पूरा स्ट्रक्चर का एक सीरीज लेना चाहते हैं, यानी डेप्स, सेफ और मैनुअल डिज़ाइन, ये तीनों को अगर कॉम्बो कर देंगे, और ऑटोकैड तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो ब्रशअप कर लेंगे, तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं, आप एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर बन चुके हैं। इन चार प्रोफाइल को ऐड करके, चार स्किल्स को ऐड करना है और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाना है। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।